दिस इज मेघा एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही दिनों में हमारा महापर्व यानी कि छठ का त्यौहार स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठ पर्व के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से या फिर अपने पिक्चर से छठ पूजा विशेष के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको इस 1:1 वाली रेशियो को ले लेनी है। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 6 पिक्चर्स को ऐड किया है एंड इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें हम लोग क्रॉस फेड वाली इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो सारे में ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको इस 16:9 वाली रेशियो को ले लेनी है। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेनी है। तो आपको जो भी बैकग्राउंड पिक्चर रखना है वो आप लोग ऐड कर लेना। ओके, इसको हम लोग 19 सेकेंड्स तक रख लेंगे। 19.2 सेकेंड्स तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ओके, एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको इक्वल रख लेंगे एंड इसकी विगनेट को ऑन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक ब्लू स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ब्लू कलर को ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग वीडियो को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको स्क्रीन करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो वीडियो को एक्सपोर्ट किए उसको हम लोग फिर से इसमें ऐड कर लेते हैं। एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस एक्सपोर्ट वाली वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, इसके बाद इस ब्लू स्क्रीन वाली वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे
एंड इसके बाद इस टेम्पलेट वीडियो को फिर से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर सकते हो। एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स बेटा सुन।